गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज सविता शर्मा। टुडे इज माय टॉपिक प्लासेंटा प्रीविया। वागा मेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया इज अ कंडीशन व्हेन द प्लासेंटा कवर कम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली पार्ट ऑफ द सर्विक्स इन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था की वह स्थिति जिसमें प्लासेंटा जो है अपर सेगमेंट में ना होकर के वो लोअर सेगमेंट में आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से सर्विक्स को कवर कर लेता है। यह बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब बात करते हैं इसके कारण क्या हो सकते हैं। एग्जैक्ट कारण तो अभी जब तक जो है पता नहीं चल पाया है, बट इसके अनुमान कारण कुछ है। डिफेक्टिव डेसिडुआ, डेसिडुआ प्रेगनेंसी में, जो कि नॉन प्रेगनेंसी में उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे डेसिडुआ जो है एबनॉर्मल हो जाता है। दूसरा कारण है मल्टीपल ट्विन प्रेगनेंसी में भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। एबनॉर्मल प्लेसेंटा इंक्रीज एज, अगर माता की एज जो है 35 अबव है, उस कंडीशन में भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया 4 टाइप्स के होते हैं। लो लाइन प्लेसेंटा, मार्जिनल प्लेसेंटा, पार्टिकल प्लेसेंटा, कंप्लीट प्लेसेंटा। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। मैटरनल हेमरेज हो सकता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है माता को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। फिटल डिस्ट्रेस, और जो फिटस होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको जो है सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। यूट्राइन रप्चर, यूट्रस में भी रप्चर होने के चांसेस होते हैं। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं प्लेसेंटा पीरियड में, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है वजाइना से। एब्डोमिनल क्रैक्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा एब्डोमिन ऐंठन हो सकती है। प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, टाइम से पहले जो है डिलीवरी हो सकती है। फिटर डिस्ट्रेस, फिटर को भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके जो है प्रिवेंशन क्या हो सकता है। रेगुलर जो है प्रीनेटल चेकअप होना चाहिए। डोंट स्मोक, माता को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। डायग्नोस में हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे उसको पता करेंगे कि जो है प्लेसेंटा प्रीविया ही है, उसके लिए हम उसका USG करवाते हैं। थैंक यू।